शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। ये देखो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए गरम गरम हल्दी वाला दूध बनाया। और कितना पाप आप अपने सर पे लेते रहेंगी। सालों पहले आप अपने बच्चे को अकेले छोड़कर चली गई थी और अब आप वापस लौटी हैं अभय को उनकी मम्मी से छीनने के लिए। इस हद तक गिर गई हैं आप। सात में से तीन दिन तो निकल चुके, आधी बाजी तो मैं जीत चुकी हूं। अपने बच्चे की भावनाओं के साथ कब तक खेलती रहेंगी आप? हो, ये सर की चोट के कारण पहले ही इतना दर्द सह रही हो तुम, अब इतना परेशान होगी तो दर्द बढ़ जाएगा ना। बेटा तुम क्यों चिंता कर रही हो तनुजा की? अभी नहीं है उसके पास, पर वहां उसका दूसरा बेटा है ना उसका ख्याल रखने के लिए। अरे साडू साहब, ओ साडू साहब, कहां छुपे हो? ओ साली साहिबा, साली साहिबा, अरे आंखें तरस गई है आपकी मासूम शकल देखने को, किधर हो? उरी, आप लोग यहाँ बैठे, हम तो आपको देखे ही नहीं। रे रे, का हुआ? क्या हुआ? नहीं आए वो लोग? अरे, तभी तो हम सोचे कि घर में हंसी ठट्टा काई नहीं हो रहा है, पर पूजा तो कब का खत्म हो गई है। ये बलवा रहा बड़ा चंचल, कहीं बल्टी बल्टी तो नहीं मार लिए? बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ये हमारा घर है, तुम्हारा रंगमंच नहीं। चलो निकलो यहाँ से, जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। अरे बुआ जी, हम तो बस खुशी बांटने खातिर आए रहे, आप तो पैसे चढ़ते रहती है हम पे। आए जब देखो, खुशी बांटने आयो या हमारी खिल्ली उड़ाने आयो? तुम जैसे लोगों को ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी में केटी को तुम पसंद आ गए, जो तुम जैसे लंगूर को इस घर में उठा कर ले आई। तुमको हीरो समझता है। अब का ही बताए आपको कि आपकी कीर्ति रानी तो खुद ही हमारे कैद में सुस्ताई रही है बुआ जी। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे दीदी। हे भगवान, बस वो दूध दीदू ना पिए और उनकी बातें ना सुनने लग जाएं। नहीं सुननी है मुझे आपसे आपकी कोई भी बात। फिलहाल के लिए मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन अब इतने प्यार से जो मैंने तुम्हारे लिए ये गर्म दूध बनाया ना हल्दी का, इसे तो पी लो। जितनी भी तकलीफ, जितनी भी परेशानी है ना तुम्हें, वो इसे पीने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने इसमें ना सास का प्यार मिलाया। नहीं चाहिए मुझे आपका ये झूठा प्यार और आपकी ये झूठी हमदर्दी। अरे किस सास बहू में लड़ाई नहीं होती? अब बेटा इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसे नहीं करते ना। लो पकड़ो, पियो।
हेलो हेलो दीदू दीदू वो ना आप दूध मत पीजिएगा, दिव्यानी आंटी ने जो आपको दूध दिया आप मत पीजिएगा, उसमें जहर है। जहर है दीदू, हमने अपनी आंखों से देखा, गुलाल ने ना जहर की पुड़िया दी थी दिव्यानी आंटी को, उन्होंने उस दूध में मिला दिया होगा, आप प्लीज वो दूध फेंक दीजिए। हेलो हेलो क्या हुआ बेटा? अच्छा छोड़ो, ये लो दूध पियो वरना ठंडा हो जाएगा। लो पकड़ो, अरे पकड़ो दूध पियो। चलो नहीं पीना है मुझे ये। पियो। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ना बहू के लिए मैंने खास गरम हल्दी वाला दूध बनाया और ये पी नहीं रही। क्या हुआ श्रद्धा, हल्दी वाला दूध तो अच्छा होता है, पियो ना। अब भाई वो मेरा मन नहीं कर रहा है, सेहत के आगे अगर मन की चली ना तो बस हो गया। बेटा तुम ही इसे पिला दो, अच्छा लगेगा। जी नहीं अबे, मुझे मुझे नहीं पीना है ये। थोड़ा सा पी लो मेरे लिए। अरे नहीं अबे मैं नहीं पीऊंगी। थोड़ा सा मेरे लिए पी लो। अबे मैं ये दूध नहीं पी सकती, इसमें जहर है। दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी माँ तुम्हें जहर वाला दूध देंगी? माँ जी पे इतना बड़ा इल्जाम, ये गलत है। माँ जी ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो माँ खुद अपनी जान खोने पे आ गई है इतनी दर्दनाक बीमारी से, वो किसी और की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम बीच में कुछ भी मत बोलो गौरी। बस श्रद्धा, अब तुम हद पार कर रही हो। तुम्हें यही लगता है ना कि इसमें जहर है? मेरी माँ तुम्हें मार देना चाहती है तो ठीक है, अभी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। छोड़ो इसे। अब ये क्या कर रहे हो आप? मैं आपको ये दूध नहीं पीने दूंगी। नहीं छोड़ो इसे श्रद्धा। नहीं अबे बंद करो ये तमाशा। शक मुझ पर है ना कि मैं अपने बेटे की जीवन साथी को जान से मार देना चाहती हूँ, तो फिर तू क्यों कटघरे में खड़ा होगा बेटा? अपनी बेगुनाही का सबूत मैं खुद दूंगी। अब ठीक तो है ना? जब एक सांस पे बहू शक करे कि उसे मारना चाहती है तो वो कैसे ठीक हो सकती है? अरे वो बहू जिसे मैंने अपनी बेटी से ज्यादा प्यार किया, मैं उसकी आंखों में नफरत नहीं देख सकती बेटा, उसकी आंखों में नफरत नहीं देख सकती। कोई हम ना अपनी दुनिया में वापस चलते,
या तो मैं अपना घर परिवार ढूंढती आ गई, यहाँ आके पता चला कि मेरे अपने मुझे अपना ही नहीं मानते। यहाँ नहीं रहना। इतना बड़ा नाटक किया आपने माँ जी, डर के साथ और कितना खेलेंगी आप? चल गौरी। कहीं नहीं जाएंगी आप? क्या हो गया तुम्हें श्रद्धा? एक माँ जिसने सास की तरह नहीं बल्कि माँ की तरह तुम्हारे सर पे हाथ रख के तुम्हें आशीर्वाद दिए, और तुम्हें लगता है कि वो उन्हीं हाथों से तुम्हें मार देना चाहती हैं? कैसे बताऊं अब है कि आपके रिश्तों में जहर घोलने ही माँ जी लौटी है? कैसे समझाऊं आपको? बोलो श्रद्धा, अब जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। उस दिन तुमने सबके सामने एक नाटक पेश किया था ना, पर आज मेरा नाटक उससे बेहतर है ना? तो बजाओ ताली। कैसन शकल बन गई तुमरी। एकदम फटा दूधवा की तरह। नहीं नहीं नहीं, तुमका क्या लगा है? हम अपनी साली जी को जहर पिला देंगे? एक सेकेंड रे तैया, ये सच्ची पुलिसिया में रही का तू? पता कैसा न लगा तुमका? अरे तुमका हम पहले ही देख लिए रहे। अरे ईश्वर, हो कैसा कैसा खेल खिला रहे रहे तू है? पूरी दुनिया हमका बुद्धू राम कहत रही, और असली मंद बुद्धि तो हमारी बीवी जी निकली। गुलाल हम तो का कर रही है बीवी जी? हमका तो लगा पति पत्नी के बीच तो हंसी ठट्टा चलत रहा है। नहीं, हाथ पर चलाने का इतना ही शौक रहा तो हम तो इसके पंडित रहे। एक काम करो, आप आराम से बैठो इधर, हम जाते हैं पान खा कर आते। अरे नहीं अबे, मैं नहीं पीऊंगी। थोड़ा अबे, नहीं दूध नहीं पी सकती, इसमें जहर है। जब एक सांस पे बहू शक करे कि उसे मारना चाहती है, वो कैसे ठीक हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है मैं इससे मान जाऊंगा श्रद्धा? हाँ, थैंक यू। मैं तो बुखार है, पर अभी तो तुम ठीक थी, अचानक से फिर क्या हुआ गौरी? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, इसमें श्रद्धा जी की कोई गलती नहीं है, हमसे ही कोई भूल हुई होगी जो श्रद्धा जी को इतनी ऊंची आवाज में हमें डांटना पड़ा, पर हमने बुरा नहीं माना। पर माँ जी के साथ आज उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था। माँ जी को कैसा लगा होगा? अभय जी, माँ जी ना दिल के बहुत अच्छी है। अरे वो चनात तो को उन्होंने बेटी बना के गले लगाया, तो सोचिए कितनी महान है वो। तुम प्लीज रो मत। देखो
श्रद्धा बुरी नहीं है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है। पता नहीं आजकल क्या हो गया उसे। श्रद्धा तुम यहाँ कैसे? हाँ श्रद्धा बेटा तुम्हें चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं मम्मी जी, फिसल गई थी तो। क्या बेटा तुम अपना इतना भी ख्याल नहीं रखती हो? इतनी बार निराश किया आपको मम्मी जी कि आप अपना दुख भी नहीं दिखा पा रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं अभय को एक बार फिर घर नहीं ला पाई। मैं अपनी कोशिश में दोबारा से हार गई मम्मी जी। हमने अपने बेटे को इतना प्यार दिया, लेकिन अगर वो अपने जन्म देने वाली माँ के साथ ही रहना चाहता है तो फिर ये उसका फैसला है। अगर वो अपने जीवन में खुश है तो हम भी जी लेंगे। हाँ हमारी भाभी चाहे कितना भी दिखावा कर ले खुश होने का, सच यही है। आज हिम्मत नहीं रही, उनका दिल टूट चुका है। दिल से चाहे कितना भी कर लो बच्चों के लिए, अंत में कभी पड़ जाता। दीदू, दीदू, दीदू रुकिए। दीदू हम सच कह रहे हैं, हमने जैसे ही गुलाल और दिव्यानी आंटी को बात करते सुना हमने तुरंत आपको फोन लगाया। यही तो वो चाहते थे कीर्ति, मुझे पता है मेरी बहन मुझसे कितनी भी नाराज हो पर मेरे साथ ऐसा मजाक कभी नहीं करेगी। और मैं तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ कीर्ति, कोई भी बात हो ना कीर्ति मुझे बेझिझक फोन करना और अपना ख्याल रखना। जीत का जश्न खुद ही मनाने का ना अलग ही मजा है। श्रद्धा बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पर। मुझे तो लगा था कि इस बार ना ये 7 दिन की चुनौती में बहुत मजा आएगा, दाव पे दाव, दाव पे दाव, दाव पे दाव लगेंगे। कोई पहली बार ना मुझे अपनी टक्कर की मिली है, पर नहीं तुम तो बस आधी बाजी में टाइम टाइपिस। पति का कंधा भी नहीं है ना सहारा देने के लिए, क्योंकि पति को तो कौरी कंधा दे रही है। दोनों बाजार गए हैं एक साथ, अरे सामान लेने के लिए। तुम वहां पर
परिवार परिवार खेल रही थी और यहाँ ना मेरा बेटा बेचारा बहुत अकेला पड़ता जा रहा था। वो तो अच्छा है ना कि गौरी उसके साथ है। अरे तुम मेरे जीत की खुशी में लड्डू तो खाओगी ना? जीत आपकी हुई है तो ये लड्डू भी आप ही खाइए। छे बात है? अरे ये तीखी मिर्चा को कहा लड्डू की मिठास का अंदाजा रहेगा मारी। इसीलिए तो हम ई खस्तेदार कचौड़ी लाए अपनी प्यारी श्रद्धा साली जी के लिए। ई खाइए। मुझे नहीं खाना है और अभी के अभी निकलो यहाँ से, दूर रहो मुझसे, और मुझे एक और तमाशा नहीं चाहिए। अरे ये जीजा साली की खट्टी मीठी नॉक झोंक में मैं खड़ी क्या कर रही हूँ? मैं ना जाके आराम करती हूँ क्योंकि अभय और गौरी को आने में तो अभी ना बहुत समय लगेगा। श्रद्धा जी, एक तो हम प्यार से आपके लिए आपकी फेवरेट कचौड़ी लाए रहे और आप है कि एक प्यार भरी पत्ती सी भी नहीं दिखा रहे हैं। मुझे नहीं खाना है और अभी के अभी निकलो यहाँ से। होए होए होए, इसी अदा को तुम वेरी 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 मच मिस किए रहे, फिदा है हम इस अदा पे। आपको पता है गुस्से में ना बहुत ही खूबसूरत लगती है। चलिए आप जिद कर ही रही है तो हम ही अपने हाथन से आपको ये आपकी फेवरेट कचौड़ी खिलाई देते हैं। लीजिए खाइए। नहीं खाना है मुझे। अरे खाइए खाइए। अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। मुझ पर एक उंगली उठाने लायक भी नहीं छोड़ा था तुम्हें मैंने। अभी को जन्म मैंने दिया है, फिर चाहे कोई भी पाले उसे, उसमें खून हमेशा मेरा ही रहेगा। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैं आपसे, इस परिवार को जुड़ने दीजिए। अभी की माँ सिर्फ मैं हूँ। रिश्ते खून से ज्यादा प्यार से सींचे जाते हैं और अभय के लिए परिवार का प्यार सबसे ज्यादा मायने रखते। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।